देश में वैक्सीन संकट के मद्देनजर आज अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सरकार कोरोना वैक्सीन बनाने वाली तमाम अमेरिकी कंपनियों के संपर्क में। चार दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत के दौरान आर्थिक मुद्दे और कोरोना की रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर होगी वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 दिन पहले किया था ऐलान, जून के अंत तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 60 मिलियन डोज, फाइजर मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 20 मिलियन डोज विदेश में बिक्री के लिए है तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। 28 तारीख को अमेरिका से होगी वतन वापसी। हाल ही में बांग्लादेश ने भी अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई के मुद्दे पर भारत से की थी बात। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव को भी वैक्सीन की जरूरत। कोरोना संकट के बीच देश में तेजी से बढ़े ब्लैक फंगस के केस, देश में अब तक करीब 9000 मरीज आए सामने, कुछ ने गवाई जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्से में ब्लैक फंगस की दवा इन्फोटेरिसिन बी की कमी, अस्पतालों में इन्फोटेरिसिन बी की सप्लाई बढ़ाने में जुटी सरकार। दिल्ली के आकाश अस्पताल में बढ़ती ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में से एक की मौत, इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिलने से गई जान। दोनों मरीज हरियाणा और यूपी से दिल्ली किए गए थे रेफर। दिल्ली आ गए ब्लैक फंगस के दोनों मरीज, कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के हुए थे शिकार, गंवानी पड़ी थी आंख। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 36 नए मरीज सामने आए, दिल्ली के एलएनजेपी जीटीबी अस्पताल में हो रहा इलाज। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती है ब्लैक फंगस के कुल 41 मरीज, जबकि गुरुतेग बहादुर अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 36। कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड के अधिक इस्तेमाल से बढ़ा ब्लैक फंगस बीमारी का खतरा, डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। इंदौर में कोविड के बाद अब पोस्ट कोविड बीमारी, ब्लैक फंगस से जूझते मरीजों को दवा की दिक्कत, नहीं मिल रहा इन्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन, प्रशासन से खफाए पीड़ित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी जानकारी, ब्लैक फंगस के इलाज में प्रभावी इन्फोटेरिसिन बी के 3 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगाए जा चुके हैं, जल्द 3 लाख इंजेक्शन और आ जाएंगे। पूरे विश्व भर से हमने उसकी दवाई एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोलाइज जो है उसको एकत्रित करने के लिए काम प्रारंभ किया। 3 लाख इंजेक्शन अब तक आ चुके हैं, आने वाले 3 दिन में 3 लाख इंजेक्शन देश में और आएंगे। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा दिसंबर तक देश में सभी का हो जाएगा वैक्सीनेशन। और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले दिसंबर तक भारत के प्रत्येक नागरिक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कोरोना के इलाज में देश में पीएम के दिए मंत्र, जहां बीमार वहां उपचार पर हो रहा अमल, हर सीएचसी सेंटर पर बेहतर इलाज की सुविधा देने की कोशिश। सीएससी सेंटर को जूनियर डॉक्टर, ऑक्सीजन बेड, डिजिटल एक्सरे से संपन्न बनाना है सरकार का लक्ष्य, राज्य सरकारों से सहयोग की अपील। जयपुर के नारायण अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 केस, एक युवक की हुई मौत। जोधपुर में भी बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, 61 साल के मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत। वाराणसी बीएचयू में ब्लैक फंगस से 2 मौत, मरने वाले दोनों मरीज कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से भी थे पीड़ित। नोएडा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला आया सामने, सेक्टर 58 पुलिस ने एक गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिरसा में भी इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी, सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ के मुताबिक अस्पताल सिर्फ 18 इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस के 38 मरीज मिले, अब तक जिले में महामारी से 8 लोगों की मौत। नेपाल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन इन्फोटेरिसिन बी के लिए लोगों में मारामारी, अमीडिया अस्पताल में पहुंचे मरीज, दवाई की भारी कमी। राजस्थान के दौसा में 18 साल तक के 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, महज 21 दिनों का है ये संक्रमण का आंकड़ा। राजस्थान के डूंगरपुर में 12 मई से अब तक 325 बच्चे कोरोना संक्रमित, ज्यादातर बच्चों की उम्र 18 साल से कम। ब्लैक फंगस और कोरोना को लेकर बीएमसी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, केंद्र और राज्य सरकारों से पूरी गंभीरता के साथ ठोस उपाय उठाने की अपील। दिल्ली में लगातार सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1649 केस, 189 मरीजों की मौत।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 26,672 नए मामले, 594 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में एक दिन में 1,431 केस। यूपी में भी कोरोना मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 4,844 नए केस, 234 बीमार ने गंवाई जान। बिहार से भी राहत की खबर, 24 घंटे में 4,002 नए कोरोना मरीज, 1,32,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट। केरल में अभी भी कोरोना की रफ्तार तेज, 25,000 से अधिक नए मामले, राज्य में सबसे ज्यादा 188 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में फिर देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस, 24 घंटे में 35,483 नए केस, 422 की मौत। कर्नाटक में भी नहीं थम रहा है कहर, 25,979 नए मामले, 626 मरीजों ने गंवाई जान। गुजरात में नए मामलों में आ रही है कमी, 24 घंटे में 3,794 नए मामले, 53 मरीजों की मौत। राजस्थान में 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन, सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़कर 1,000 रुपए हुआ। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से रेमडेसिविर की अतिरिक्त खुराक जारी, 23 मई से 30 मई तक के लिए 22 लाख से ज्यादा की सप्लाई। महाराष्ट्र के बारामती में ब्लैक फंगस का कहर, ब्लैक फंगस पीड़ित महिला की मौत। बारामती में पिछले 10 दिनों में ब्लैक फंगस से पीड़ित 19 लोगों की सर्जरी की गई, जांच के दौरान 14 और लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि। देश में वैक्सीन की कमी को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बताया राजनीति से प्रेरित, कहा केंद्र के पास वैक्सीन का भरपूर भंडार, जो राज्य वैक्सीन मांगेगा भारत सरकार उनको वैक्सीन देगी। आज भी वैक्सीन का भरपूर भंडार है, कोई कमी नहीं है, जो राज्य वैक्सीन मांगेगा भारत सरकार उनको वैक्सीन देगी, वैक्सीन की किसी प्रकार की या कोरोना की किसी दवाई की किसी प्रकार की कमी नहीं है। कर्नाटक के बेलगावी में लोगों ने घोड़े की मौत पर निकाली शव यात्रा, उम्मीद जबरदस्त भीड़ टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। अगले सीबीआई चीफ पर मंथन, आज मीटिंग में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीबीआई प्रमुख की रेस में प्रमुख तौर पर शामिल है तीन नाम, बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना, एनआईए के प्रमुख वाईएस मोदी और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल रेस में। सीबीआई प्रमुख का पद मार्च महीने से ही रिक्त है, राकेश अस्थाना निभा रहे हैं अंतरिम सीबीआई प्रमुख की भूमिका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवीपाटन, गोंडा और आजमगढ़ जाएंगे, कोरोना की रोकथाम के इंतजामों का लेंगे जायजा। आखिरकार योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी पर दिया बयान वापस लिया, आईएमए ने रामदेव को भेजा था नोटिस। शिमला में एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 लोगों पर केस दर्ज, जनाजे में शामिल होने का आरोप। इंदौर में जैन समाज के संत के स्वागत में टूटा कोरोना कर्फ्यू का प्रोटोकॉल, उमड़ी भीड़। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल में जुटा कोरोना प्रोटोकॉल, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती का फॉर्म जमा करने के लिए जुटी आवेदकों की भारी भीड़। इंदौर में एक फल विक्रेता की चर्चा, निगम पर मुखखोरी का आरोप लगाकर सड़क पर फेंके थे फल, वायरल वीडियो देखकर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दी 21,000 रुपए की मदद। नासिक के सिविल अस्पताल में धमाके की आवाज के साथ फटा ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप, फौरन किया गया ठीक, कला हादसा। अम्बाला पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को किया गिरफ्तार, बरामद किए गए 423 इंजेक्शन में से अब तक 24 नकली साबित। बालाघाट में एक परिवार पर पड़ी कोरोना की विकट मार, 15 दिन में घर से उठे 5 जनाजे, परिवार में अब सिर्फ एक विधवा महिला और बच्चे बचे। नीमच में जिला जज ने माछड़ा समुदाय से जुड़ी महिलाओं को मुहैया कराया राशन, कोरोना काल में इन महिलाओं की आजीविका पर है संकट। मुक्तसर के बुदर गांव में टीकाकरण के लिए सरपंच को गुरुद्वारे के माइक से करनी पड़ी अपील, लॉकडाउन के विरोध में वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं थे ग्रामीण, अपील पर माने। हिमाचल में प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए क्लब महिंद्रा ने बढ़ाया हाथ, लॉकडाउन तक मजदूरों को मुफ्त राशन देने के लिए जिम्मेदारी। रोजगार नहीं होने से बड़ी तादाद में हिमाचल से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर, अब प्रशासन के साथ मिलकर क्लब महिंद्रा ने बांटी आटा चावल नमक तेल वाली किट।
दिल्ली में भी लॉकडाउन से मजदूरों को ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी मुसीबत, आजीविका का मंडराया संकट। वाराणसी में कोरोना की रोकथाम के लिए पूजा पाठ पर जोर, महिला और पुरुष दोनों अपने अपने ढंग से पूजा विधि पर दे रहे जोर। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जारी, गांव-गांव में टीकाकरण किया जा रहा है सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के थप्पड़बाज डीएम के तबादले पर भी पीड़ित संतुष्ट नहीं, सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सूरजपुर में चेकिंग के दौरान डीएम रणवीर शर्मा ने एक शख्स को मारा था थप्पड़, सीएम ने शर्मा का तबादला कर गौरव कुमार सिंह को बनाया नया डीएम। थप्पड़बाज डीएम रणवीर शर्मा को निलंबित करने की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने की मांग, कहा ऐसे डीएम ने नियमों का किया उल्लंघन, तत्काल किए जाए सस्पेंड। सूरजपुर में ही एसडीएम की भी दादागिरी का वीडियो वायरल, प्रकाश सिंह राजपूत ने एक शख्स को जड़ा थपमाचा। थप्पड़बाज डीएम के बाद सूरजपुर के पुलिस इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, स्कूटी सवार को पीटने का वीडियो वायरल होने पर हटाया गया। तावते के बाद अब यास तूफान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात यास पर पीएम मोदी की बैठक, अमित शाह भी हुए शामिल, तैयारियों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को पीएम का निर्देश, चक्रवात यास से कोरोना मरीजों का इलाज ना हो प्रभावित, सभी की सुरक्षा और सलामती की कामना। मुंबई में तूफान तावते की तबाही के दौरान दो जहाजों पर सवार 274 लापता लोगों की तलाश पूरी, 188 लोगों को पहले किया जा चुका है रेस्क्यू। सर्च ऑपरेशन के दौरान 70 लोगों के शव किए गए बरामद, अब रायगढ़ कोस्ट के पास से 8 और वलसाड़ से करीब समंदर से 8 और शव बरामद। हादसे के वक्त बार स्पीड 305 जहाज पर सवार 261 और वाराप्राइड जहाज पर सवार 13 लोग हुए थे लापता। वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी के दौरान 3 महिलाएं गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने फेज 2 से हिस्ट्री शीटर प्रवीण अवाना को किया गिरफ्तार, प्रवीण पर हत्या लूट समेत दर्ज है 31 केस। जयपुर में जुगी बस्ती पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने बढ़ाया अवैध निर्माण, कब्जे की जमीन पर बने आवास को कोर्ट ने तोड़ने का दिया था आदेश। बिहार के लखीसराय में दूसरी शादी रचा रहे युवक की काफूर हुई खुशी, दोनों पत्नियों ने खुलासे के बाद जमकर की दुनाई, चप्पलों से पीटा। अलीगढ़ में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, वायरल वीडियो में घूसखोरी का भी जिक्र। फिरोजपुर में जब्त की गई 13 किलो हेरोइन, बीएसएफ और नारकोटिक्स ब्यूरो की साझा कार्रवाई। अयोध्या में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 6 बीघा जमीन किया था मामा के परिवार का सफाया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 10 लाख रूपये की हेरोइन जब्त। मुरादाबाद में बेकाबू बस ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। बारावती में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, शादी के लिए राजी नहीं थी दोनों के परिवार। कर्नाटक के गदग में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ब्लैक में इंजेक्शन बेचने वाले 4 लोग गिरफ्तार। कानपुर में दीपकों में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों ड्राइवरों की मौत। झारखंड के चाईबासा में बोरवेल की गाड़ी में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में जलकर खाक। बिहार विद्यालय में गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका, आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त। दरभंगा में एक घर में पंखे से लटका मिला महिला का शव, आत्महत्या से पहले बनाई पति की तस्वीर और खून से लिखा लव यू। शाहजहांपुर में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, यौन उत्पीड़न के आरोप में चाचा गिरफ्तार। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में सीएचएल एमडी नर्सिंग होम में लापरवाही से 7 नवजात बच्चों की मौत, 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को पकड़ा, चोरी के सामान और 50 मोबाइल और कैश बरामद। गया में रेप के आरोप में 60 साल का शख्स गिरफ्तार, चाकू की नोक पर नाबालिग से कई बार बलात्कार का आरोप। पानीपत में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल के बच्चे को नोच कर मार डाला, शहर में दहशत। भारत में मौजूद कोरोना वेरिएंट के खिलाफ फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दिखी कारगर, फाइजर 88% प्रभावी तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका 60% प्रभावी। दुनिया भर में कोरोना से 34,70,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, संक्रमितों की तादाद 16,71,00,000 के पार।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अर्जेंटीना में शनिवार से लागू लॉकडाउन 30 मई तक जारी रहेगी नई पाबंदियां। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते मलेशिया में फिर लागू कई पाबंदियां। प्राइवेट दफ्तरों में 40% तो सरकारी दफ्तरों में 80% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच समझौता हुआ खत्म। अमेरिका और दूसरे देशों के साथ परमाणु समझौते को बचाने के लिए कोशिशों को लग सकता है धक्का।